गारंटी है मेरी, इतने इजी छोलों की रेसिपी आपने पूरे यूट्यूब पर नहीं देखी होगी, इतने इजी है बनाना और टेस्टी भी इतने बनते हैं ना कि बहुत ही ज़्यादा। और आप अपना पुराना तरीका भूल जाएंगे ना अगर एक बार इस तरह से छोले तैयार करेंगे। और ये मैंने चावलों के साथ बनाए थे, तो करना क्या है हमें, कुकर में 6 से 7 घंटे पहले भीगे हुए छोले ऐड कर देंगे और इसमें हम प्याज ऐड करेंगे और कुछ साबुत गरम मसाले ऐड करेंगे। बड़ी इलायची ले लेनी है हमें, थोड़ा सा जावित्री, एक दालचीनी का टुकड़ा, 4 से 5 हमें लौंग ले लेनी है, काली मिर्च ले लेनी है, ज़ीरा, लहसुन, अदरक, तेज़पात और नमक ले लेना है, थोड़ी सी हींग और पानी डालकर ना हमें मिक्स कर देना है सब चीज़ों को। अब हम इन्हें उबलने के लिए रख देंगे। तो कुकर की लिड लगा दूंगी मैं और इसमें सीटियां लगा लूंगी करीब 5 से 6 सीटियों के बाद ना हमें छोलों को चेक कर लेना है कि ये अच्छे से गले हैं नहीं गले हैं। छोले ना अच्छे से गल गए हैं। अब हम ऑयल में ऐड करेंगे थोड़ी सी हींग, टमाटर और हरी मिर्च ऐड कर देंगे और मिक्स करेंगे। जब ये मिक्स हो जाएंगे ना अच्छे से ऑयल में, तो इसमें हमें ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर, और इन्हें मिक्स करेंगे हम लो फ्लेम पर। फिर इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और टमाटरों के गलने तक मसाले को अच्छे से भूनेंगे। जब मसाला भून जाएगा ना, तो फिर इसमें हमने जो छोले उबाले थे वो ऐड कर देने हैं। अगर आप पूरी या पराठे के साथ खाने के लिए छोले बना रहे हैं तो ऐसे ही रहने दें। मैंने चावलों के साथ बनाए थे तो थोड़ा सा पानी ऐड किया था। पानी ऐड करने के बाद मैं 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ दूँगी। 4 से 5 मिनट के बाद हम गैस बंद कर देंगे। मज़ेदार हमारे ये छोले बनकर तैयार हैं। प्लीज़ एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और वीडियो को लाइक भी कर देना एक प्यारा सा।